आम जन को सूचित किया जाता है, दंगों के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कृपया अपने घरों से बाहर ना निकलें। हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में बने रहें और शांति बनाए रखें। कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है? कौन है तुम? और वहाँ क्यों छुपे हो? तुम क्यों छुपे हो यहाँ पे? हिंदू हो? मुसलमान हो? तुम्हारा नाम क्या है? पागल समझा है क्या? नाम बता दूंगा तो। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब खान या गुलाब चंद? यहाँ किसी को मारने आए हो? किसी को मार के छुपे हो? तुमने कितनों को मारा है जो यहाँ छुपे हो? बीड़ी पीता है? हाँ। माचिस भी सील गई है। ला मुझे दे, मैं कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हो? पास से। अकेले हो? हाँ। और तुम अकेले हो? तुम्हें क्या लगता है? शायद अकेले ही हो।
सुभान अल्लाह। मुसलमान हिंदू? हाँ, धुआं आराम से छोड़ना, ऊपर की तरफ जाएगा। सभी आम जन को सूचित किया जाता है, दंगों के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कृपया अपने घरों से बाहर ना निकले। हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में बने रहें और शांति बनाए रखें। इधर आजा, मुझे भी मरवाएगा। थैले में क्या है? हथियार है क्या? तुम मुझे मार दोगे? मैं क्या तुझे मारूंगा, क्या तू मुझे मारेगा? अभी तो दोनों की जान पे बनाई। बच्चों के खिलौने और कपड़े हैं, बाजार गया था अपने बहनोई के साथ, अपने दोस्त राम के यहां रुका था। रेडियो में खबर सुनी, सब ठीक है, हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकल के कुछ ही दूर चले थे कि दूर से आवाजें आनी शुरू हो गई। एक तरफ से आवाज आई जय श्री राम, एक तरफ से अल्लाह अकबर। 10-15 लोगों का झुंड हमारी तरफ भागा, मेरा बहनोई दूसरी तरफ भागा और मैं दूसरी तरफ। हम उन लोगों से छुप गए और जैसे वो लोग गए, मैं अपने बहनोई को ढूंढने बाहर आया। वो नाले के पास मुझे पड़ा मिला। मैंने उसे पलट कर देखा तो उसका सारा शरीर चाकू से चीर दिया था हरामियों ने। बड़ी मुश्किलों के बाद वहां से बचकर भागा। शाम से ही छुपाऊ, मैं भी अपने कारखाने के लिए कुछ सामान लेने आया था। मेरा साथी अली नाम है उसका, उसके घर पे खाना खाने के लिए रुका, पर कुछ लोगों ने उसके घर को बाहर से घेर लिया। उन्हें पता लग चुका था कि मैं अंदर हूं। उन्होंने उसके घर को आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से अली ने मुझे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला। मुझे बाहर निकालते निकालते उसके के दोनों हाथ जल गए, उसका सारा घर जल गया। पता नहीं वो लोग जिंदा बचे भी होंगे या नहीं। मेरी बीवी पेट से, वो
वो मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं वो लोग वहां जिंदा होंगे मर गए होंगे पता नहीं। कैसी मौत की हवा चली है ये, बच्चा बूढ़ा औरत सबको काटा जा रहा है, सबको मारा जा रहा है। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, किसी में कोई दया नहीं बची। मेरा घर यहां से 5 कोस दूर है, हम दोनों यहां पे छुपे रहे तो कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा और मार देगा। हमें चलना चाहिए। हाँ, सुबह भी होने वाली है, हमें निकलना चाहिए। सभी आमजन को सूचित किया जाता है, दंगों के चलते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कृपया अपने घरों से बाहर ना निकलें। हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में बने रहें और शांति बनाए रखें। वो देख लाश, चल चल इसे ऐसे छोड़कर। अरे मुर्दों की चिंता मत कर, जिंदा इंसानों की कर। मुर्दों को दर्द नहीं होता, जिंदा इंसानों को होता है। चल के पार मेरा गांव है, मैं नदी की तरफ निकलता हूं। और मैं? माफ करना दोस्त, अगर मैं तुझे साथ लेकर गया तो वो तेरे साथ मुझे भी मार देंगे। हाँ, अगर ऐसे माहौल में तू मेरे गांव आया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्त, तू हमेशा याद रहेगा। तू भी हमेशा याद रहेगा मेरे भाई। चलता हूँ।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।